नमस्कार, मैं हूं रश्मि शर्मा। जी पुरवैया में आपका स्वागत है। आज देश भर की निगाहें वित्त मंत्री अरुण जेटली पर टिकी हुई हैं। आज उनकी पोटली से क्या निकलता है? वित्त मंत्री 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगे। इस बजट को लेकर बिहार और झारखंड के लोग खासे उत्साहित हैं। समाज का हर तबका वित्त मंत्री की ओर उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बजट में उनके लिए क्या होगा खास। आम बजट पर बिहार झारखंड के लोग क्या सोच रहे हैं, वित्त मंत्री से उनकी क्या उम्मीदें हैं, इस पर बात करने के लिए पटना से जुड़ रहे हैं हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अमित झा, और रांची से मौजूद है हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता आशुतोष सिन्हा। तो वित्त मंत्री अरुण जेटली आज 11 बजे देश का आम बजट पेश करने जा रहे हैं। वित्त मंत्री के सामने कृषि क्षेत्र और उद्योग जगत की जरूरतों के बीच संतुलन बिठाने की कड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा उनके सामने वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के बीच सार्वजनिक खर्च के लिए संसाधन जुटाने का भी लक्ष्य होगा। इनकम टैक्स के मोर्चे पर बजट में संभवतः टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा, जबकि इसमें कर छूट में बदलाव हो सकते हैं। एक के बाद एक सूखे की वजह से ग्रामीण क्षेत्र दबाव में है। इसकी वजह से वित्त मंत्री पर सामाजिक योजनाओं में ज्यादा खर्च करने का दबाव है। इसके अलावा उनको विदेशी निवेशकों का भरोसा भी जीतना होगा, जो तेज सुधारों की एक बड़ी मांग कर रहे हैं। तो वित्त मंत्री आज आम बजट पेश करने जा रहे हैं देश का, और देश भर की निगाहें जेटली की पोटली पर टिकी हुई है कि इस पोटली में उनके लिए क्या होगा खास। तो हमने पटना और रांची संवाददाता से बात करेंगे बजट पर, लेकिन इस वक्त सीधे रुक कर लेते हैं दिल्ली, जहां हमारे वरिष्ठ संवाददाता रविंद्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रविंद्र, हम जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से आज आम बजट पेश होने जा रहा है, जेटली की पोटली खुलने वाली है, सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे रविंद्र कि जेटली के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी इस बजट के लिए। देखिए रश्मि, अरुण जेटली के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही होगी कि सोशल सेक्टर और मेक इन इंडिया, इन दोनों पर कैसे आगे बढ़ा जाए, शिक्षा और हेल्थ, किसानों को कितनी राहत दी जाए, क्योंकि तो चार चार रैलियां प्रधानमंत्री खुद कर चुके हैं इस बजट से पहले। तो कहीं ना कहीं सरकार के सामने भी ये समस्या है कि अगर बड़े औद्योगिक घराने, अगर कॉरपोरेट घराने रोजगार का सृजन नहीं कर पाते हैं, तो एक आम जनता कैसे सीधे जुड़कर रोजगार का सृजन करे, उसमें सरकार कितनी सहायता कर सकती है, किसानों की हालत कैसे सुधरेगी, क्योंकि पिछले दो साल से मानसून की हालत काफी खराब रही है। खासकर अगर देखा जाए तो बिहार और झारखंड की बात की जाए तो किसानों को अगर राहत सरकार देती है, अरुण जेटली देते हैं, तो बिहार के किसानों के भी हालात सुधरेंगे, और झारखंड में मेक इन इंडिया अगर परवान चढ़ता है तो वहां पर उद्योग लग सकते हैं, छोटे बड़े उद्योग लगेंगे। तो कहीं ना कहीं अरुण जेटली के सामने चुनौती जाहिर तौर पर है विदेशी निवेशकों को लुभाने की है, घरेलू मोर्चे पर विकास की गति को और आगे बढ़ाना है, साथ ही साथ जो टैक्स का मकरजाल है उसमें कहीं ना कहीं और भी उसमें कमी की जाए, सिस्टम को मजबूत किया जाए, जिससे कि मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे फिर हाउसिंग फॉर ऑल हो, जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, ये परवान चढ़ सके, इस पर अमली जामा पहना जा सके। जी रविंद्र, आपने टैक्स की बात की, इनकम टैक्स की बात की, तो इस समस्या से आम आदमी हलकान है, तो इस बजट में इस समस्या से निजात के लिए क्या हो सकता है देखने के लिए? टैक्स स्लैब में किसी तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे? देखिए, हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में तो इसे साफ इंकार किया गया कि किसी तरह की जो इनकम टैक्स में राहत की बात है उससे इंकार किया था, लेकिन सरकार के सामने काफी, सरकार पर काफी प्रेशर है, अरुण जेटली पर प्रेशर है कि जो मिडिल वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उससे कुछ न कुछ राहत दिया जाए, और पिछले बार उन्होंने 50,000 बढ़ाया था, इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि कम से कम 40-50,000 रुपया तक बढ़ाया जाए। और लेकिन एक तरफ अरुण जेटली अगर इनकम टैक्स में रिबेट देते हैं, रियायत देते हैं, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सर्विस टैक्स, क्योंकि भरपाई करनी है सरकार के खजाना
अक्सर खाली होता है तो जो भी योजनाएं होंगी वो फ्लॉप होंगी। इसलिए एक तरफ अगर राहत देते हैं तो दूसरी तरफ सर्विस टैक्स का दायरा जो 14.5% है उसे 16% किया जा सकता है। हालांकि सरकार इसकी एक और भरपाई करेगी, कॉरपोरेट टैक्स भी 30% से 29% किया जा सकता है। लेकिन कई इसके सामने समस्याएं भी सरकार के सामने हैं, अरुण जेटली के सामने है। ओआरओपी है, 10,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी है। 7th पे कमीशन है जिसमें 1,02,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी। कहीं ना कहीं सरकार अपने खजाना खाली रखकर सरकार जो रियायतें नहीं दे सकती, इसलिए एक तरफ तो रियायतें देंगी, दूसरी तरफ खजाना भरने की कोशिश भी होगी। और इसी को बैलेंस करना है अरुण जेटली को, सबसे बड़ी चुनौती होगी इस बजट में। जी तो बिल्कुल, तो बेहतर बैलेंस बनाने की चुनौती है अरुण जेटली के सामने, वित्त मंत्री के सामने। और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो है भारत की, और चुनौतियां काफी है कि इसको और मजबूत किया जा सके। रविंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ पटना से जी मीडिया संवाददाता अमित झा भी जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ रुक कर लेते हैं और जानते हैं कि पटना के लोगों की, बिहार के लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बजट से। अमित, जानना चाहेंगे आपसे, आप इस वक्त पटना में मौजूद हैं, किस तरह की उम्मीदें हैं पटना के लोगों को वित्त मंत्री से? जी निश्चित रूप से रश्मि, बात करते हैं, पटना की जनता हमारे साथ हैं, महिलाएं भी हैं, सबसे बात करेंगे। और सबसे पहले आप बताइए, आप महिला हैं, क्या उम्मीदें हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली आज बजट पेश करेंगे, क्या उम्मीदें हैं आपकी? हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा बजट पेश करेंगे जो हम लोग के लिए सुविधा, हर जगह पे सुविधा होगी हम लोगों को। जैसे कहीं भी घूमने जाते हैं या मार्केटिंग करने जाते हैं तो आम बजट तो एकदम लगता फेल ही हो रहा है, जितना घर चलाना मुश्किल हो जाता है, किचन चलाना मुश्किल हो जाता है। आज के दौर में देखेंगे 40 रुपए किलो सेम है, एक पाव सेम लीजिए तो 10 रुपया लग जाते हैं। तो जितना भी हस्बैंड जितना पैसा देते हैं उस हिसाब से तो मेरा बजट ही फेल हो जाता है, क्या लें क्या नहीं करें। निश्चित रूप से देखिए, इन्होंने महंगाई की बात उठाई है रश्मि, महिला है, निश्चित रूप से इन्हें किचन मैनेज करना होता है। आप बताइए, आप यूथ हैं, यूथ को क्या चाहिए? आज वित्त मंत्री अरुण जेटली तीसरी बार बजट पेश करने जा रहे हैं, यूथ को क्या चाहिए? लॉट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेवलप होना चाहिए, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा फैल रहा है, जिसकी वजह से लोग गलत काम कर रहे हैं, करप्शन बढ़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। मोर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट, ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड होगी सबके लिए। तो देखिए, युवाओं को रोजगार चाहिए रश्मि, युवाओं से हमने बात की तो उनका कहना है कि रोजगार चाहिए, महिला को चाहिए कि उनका जो किचन है वो मैनेज हो, सही से चले। डॉक्टर इजहार अहमद भी हमारे साथ हैं। इजहार जी, निश्चित रूप से आप एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, लेकिन अगर आप आम नागरिक की बात करें, अगर आप आम नागरिक की तरह बोले तो आपको वित्त मंत्री अरुण जेटली से क्या चाहिए? देखिए, अरुण जेटली जी से मुझे वही चाहिए जो उन्होंने वादा किया था, जो कमिटमेंट था, जिसने जो जनता ने पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उसी उम्मीद पर इन्होंने जो कमिटमेंट किया था कि हर के अकाउंट में, हर देश के गरीबों के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि इस बजट में 15-15 लाख रुपया पक्का आ जाएंगे। और खास करके जो बिहार के बारे में जो कमिटमेंट था, उम्मीद है कि इस बजट में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जरूर इसमें रहेगा। रश्मि देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात है, निश्चित रूप से डॉक्टर इजहार अहमद अपनी पार्टी ही की बात रख रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से कल डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा कि विशेष राज का दर्जा दे दे कम से कम अरुण जेटली। वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जब बिहार का बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने भी विशेष राज के दर्जा की मांग की। तो निश्चित रूप से देखिए, इस बजट में जो भी आए राजनीति तो होगी। सर आप इधर आइए, आप आम नागरिक हैं, आपको क्या चाहिए जो वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे आज, तो आपको क्या उम्मीद है, क्या हो, टैक्स में छूट मिले, क्या चाहिए आपको? टैक्स में तो छूट मिलना ही चाहिए, इसलिए कि मार्केट राइज कर रहा है और मार्केट पर कंट्रोल होना चाहिए। बजट ऐसा हो जो आम जनता को उससे फायदा हो, राहत मिले, हमारा यही कहना। आप बताइए, आप भी यूथ हैं, आप क्या मांग करते हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली से? एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं रहता है तो करप्शन रहता है, और करप्शन रहता है तो वहाँ पे आप प्रोग्रेस नहीं होता है, फिर सारा का सारा चीज़ करप्शन ही पर आके निपट जाता है। तो रोज़गार मिलेगा तो लोग काम भी करेंगे, तरक्की भी होगी और बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। रिजर्वेशन भी होना चाहिए स्पेशली फॉर वुमेन, और रिजर्वेशन से ये होगा कि ये लोग मोटिवेट होंगे और बहुत ज़्यादा अच्छा अपना प्रदर्शन करेंगे, तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।
तो रश्मि देखिए, हमने महिलाओं से बात की, उनका कहना है कि उनका किचन मैनेज हो, यूथ से बात की, उनको रोजगार चाहिए, और निश्चित रूप से जो जेडीयू के नेता थे डॉक्टर इजहार अहमद, वो विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे थे और छुट्टी भी ले रहे थे, बेहतर चाहिए और युवाओं को रोजगार चाहिए। तो ये उम्मीदें हैं पटना के लोगों की वित्त मंत्री से। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ का। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए जुड़ेंगे आपके साथ। इस वक्त रुख कर लेते हैं हम रांची और बात करते हैं पूरे झारखंड के लोगों की उम्मीदों की। तो राजधानी रांची वासियों के साथ साथ पूरे झारखंड के लोगों को आम बजट से काफी उम्मीदें हैं। लोगों को भरोसा है कि सरकार आम लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बजट पेश करेगी। आइए सुनते हैं कि रांची के लोगों की आम बजट पर क्या राय है। बजट से आम जनता को फायदा होना चाहिए। आम जनता जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो डेली कमाते खाते, उन लोगों को फायदा होना चाहिए। खाने पीने की वस्तुएं सस्ती होनी चाहिए, मैं तो इसी चीज़ से मतलब है। और तो बहुत सारा सस्ता होता है, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन खाने पीने की वस्तु, जो रोज़मर्रा की चीज़ इस्तेमाल की वस्तुएं हैं, वो सस्ती होनी चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी हम लोग आम युवा है, हम लोग जैसी लड़कियां और भी बहुत सारे लड़के, तो उन लोग के लिए हायर एजुकेशन होना चाहिए रांची में, और भी मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सब और भी ज़्यादा खुलने चाहिए, ज़्यादा फैकल्टी आना चाहिए, ज़्यादा टीचर्स आने चाहिए, ताकि हम लोग अच्छे से एजुकेशन पाए। पेट्रोल के या डीजल के जो दाम राइज होते हैं, फिर तुरंत डिडक्ट होते हैं, तुरंत राइज होते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि जो ट्रांसपोर्टेशन वाले लोग होते हैं वो हड़ताल पे चले जाते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ता है। डेली हम लोगों को कॉलेज आना जाना पड़ता है, तो ये सब प्रॉब्लम हम लोगों के लिए है। तो मेन यही सब चीज़ें पेट्रोल एंड डीजल्स के लिए थोड़ा होना चाहिए। युवा में आज बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, झारखंड में ही नहीं पूरे देश में बेरोजगारी बहुत अधिक मात्रा में फैल रहा है। इसको निपटने के लिए सरकार को चाहिए कि अच्छे से शैक्षणिक प्रस्थान ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि मतलब बेरोजगारी कम हो सके। तो समस्याएं कई हैं, लेकिन उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं। रुक करते हैं रांची और बात करते हैं अपने जी मीडिया संवाददाता आशुतोष सिन्हा से। आशुतोष, जानना चाहेंगे आपसे, रांची के लोग किस तरह से उम्मीद लगाए बैठे हैं आम बजट से, वित्त मंत्री से। जी रश्मि, हमारे साथ कुछ राजधानी वासी हैं, रांची वासी हैं, इनसे ही जानते हैं, नौकरी पेशा वर्ग से भी हैं, कुछ रिटायरमेंट वाले भी हैं। क्या कुछ उम्मीदें हैं आज अरुण जेटली या कहें कि मोदी जी के आम बजट से? बजट में टैक्स स्लैब बढ़ना चाहिए, 2.5 लाख से 3 लाख होना चाहिए, कॉमन GST लागू होना चाहिए, टैक्सेशन का चेंजेज आना चाहिए, मतलब एक ही टैक्स होना चाहिए। ये हमारे देश में बहुत सारे टैक्सेशन व्यवस्था लगे हुए हैं, वो सारे मिला के एक करना चाहिए, और टैक्स को कम करना चाहिए। 30% एक्यूरेट करीब करीब आते हैं, उसको कम से कम 15% तक लाना चाहिए। कुछ और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। अंकल, क्या कुछ उम्मीदें हैं आज की, किस तरह का आप आम आदमी बजट चाहता है? आज के बजट से काफ़ी अपेक्षाएं हैं, खासकर जो मिडिल इनकम क्लास वाले ग्रुप जो हैं उनके लिए, और जो सर्विस में हैं उनके लिए जो है सो एग्जम्पशन लिमिट जो है वो कम से कम 4 लाख बढ़ना चाहिए। टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव होना चाहिए, जो है सो सर्विस सेक्टर जो है इसने सारे टैक्सेस जो हैं उसको कम कर GST को जो है एक टैक्स उसमें करना चाहिए, और बाकी हेल्थ और एजुकेशन सेंटर इस सेक्टर में उसमें जो है सो अधिक से अधिक उसको रियायत देना चाहिए, और उसमें जो है सो एक पॉलिसी बनना चाहिए, होम पॉलिसी, आवास नीति, जिसमें कम से कम जो है सो इंटरेस्ट रेट पर लोगों को जो है सो उसको लोन वगैरह प्रोवाइड करके उनका मकान जो है सो बनाने के लिए देना चाहिए। सरकार को इस तरह से उनसे अपेक्षा है। जी रश्मि, जैसा कि आपने सुना कि जो आम राजधानी वासी या रांची वासी हैं उनका कहना है सीधे तौर पे कि जो टैक्सेशन है उसमें रिबेट मिलना चाहिए, ताकि आम आदमी के पॉकेट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आ सके, ताकि जो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत हो सके। साथ ही GST की भी बात की कि GST पे भी जो है जो बिल जो अटका पड़ा है उसको भी जो है जल्द से जल्द जो है सरकार लेके आए। कुछ ये मांगे हैं आम आदमी की, आम राजधानी वासी की, जो कि कहा जाए कि अरुण जेटली से ये मांग करते हैं कि उनको ये कुछ जो है चाहिए, जिससे कि जो इनके पॉकेट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आ सके। जी रश्मि जी, तो उम्मीदें कई हैं आशुतोष, और इंतज़ार होगा जेटली की पोटली के खुलने का, और देखा जाएगा कि आम आदमी के लिए क्या है खास जेटली की पोटली में। फिलहाल इस जानकारी के लिए और इन तस्वीरों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका। एक आंकड़े के मुताबिक टैक्स देने वालों की सबसे ज्यादा संख्या नौकरी पेशा लोगों की है। ऐसे में सर्विस क्लास के लोगों को फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली से कुछ मांगे हैं, चाहे वो इनकम टैक्स में राहत देने की बात हो या फिर टैक्स स्लैब में बदलाव की। नौकरी पेशा वर्ग को सरकार से बड़ी उम्मीद है।
लोगों को उम्मीद है कि सरकार बजट में आयकर छूट सीमा 3 लाख रुपए तक कर देगी। लोग टैक्स स्लैब में भी राहत देने वाले बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि 80C के तहत निवेश की सीमा खत्म होगी। फिलहाल 80C के तहत निवेश की सीमा 1.5 लाख रुपए है, जो नौकरी पेशा लोगों को टैक्स बचाने में मदद करती है, लेकिन ये काफी कम है। घर खरीदने के लिए हाउसिंग लोन में लोग सरकार से बड़ी राहत की उम्मीद कर रहे हैं। हाउसिंग लोन पर लगने वाले ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जाए। फिलहाल होम लोन पर सालाना 2 लाख तक ब्याज पर टैक्स छूट है, जो काफी कम माना जाता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए ट्यूशन फीस में 100 और हॉस्टल फीस 300 रुपए प्रति बच्चे की छूट मिलती है, जबकि CBSE स्कूल की सालाना फीस 40,000 से 4.5 लाख रुपए के बीच है। लोगों को उम्मीद है कि सरकार ट्यूशन फीस 1,000 रुपए और हॉस्टल फीस 3,500 रुपए प्रति बच्चे की छूट कर देगी। नौकरी पेशा वर्ग को सर्विस टैक्स की सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ती है। पिछले साल सरकार ने सर्विस टैक्स 12.36% से बढ़ाकर 14% कर दिया था। लोग चाहते हैं कि इस साल सर्विस टैक्स ना बढ़े। पिछले 17 साल से लीव इन कैशमेंट में टैक्स छूट की सीमा 3 लाख से ज्यादा नहीं हुई है। लोग लंबे समय से बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस बार लोगों को उम्मीद है कि सरकार कम से कम इसे दोगुना यानी 6 लाख रुपए कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आम बजट से कारोबारियों को भी काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री से कारोबारियों की सबसे बड़ी मांग बिजनेस रिफॉर्म की है, जिसके तहत उन्हें टैक्स के जाल से राहत मिले, साथ ही सरकारी लाल फीताशाही से भी निजात मिले। मेक इन इंडिया का सपना पूरा करने की कोशिश में जुटी सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कारोबारियों को कई तोहफे दे सकती है। कारोबारियों को उम्मीद है कि बजट में सरकार नए उद्योग लगाने की प्रक्रिया आसान करेगी, छोटे और मझोले उद्योग के लिए कानूनी प्रक्रिया कम करेगी, मल्टीपल टैक्स प्रक्रिया से कारोबारियों को निजात मिलेगी, कारोबार में लागत में कमी के उपाय करेगी, छोटे कारोबारियों को आर्थिक मदद देगी, बैंकों से कर्ज लेना आसान बनाएगी। बजट में कॉर्पोरेट टैक्स कटौती का रोड मैप भी आ सकता है। वित्त मंत्री ने पिछले बजट में कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 25% करने का ऐलान किया था। इस बजट में वित्त मंत्री इसके रोड मैप की घोषणा कर सकते हैं। इसकी शुरुआत स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ से हो सकती है। उद्योग जगत उम्मीद कर रहा है कि वित्त मंत्री अपने बजट में रिफॉर्म्स के बड़े ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में बजट से उनकी उम्मीदें कितनी पूरी होंगी, ये थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। घरेलू बजट संभालने वाली महिलाओं को भी वित्त मंत्री अरुण जेटली से काफी उम्मीदें हैं। महिलाओं को बजट से कितनी टेंशन मिलेगी या कितनी राहत, ये देखने वाली बात होगी। आज पेश होने वाले बजट में महिलाओं के लिए फूल भी हो सकते हैं और कांटे भी। जेटली के बजट में नौकरी पेशा महिलाओं के लिए इनकम टैक्स में छूट बढ़ सकती है। अभी महिलाओं के लिए 2.5 लाख तक इनकम में कोई टैक्स नहीं है। बजट में छूट बढ़ाकर 3.5 लाख तक हो सकती है। बजट में महिलाओं की चिंता बढ़ाने वाला जो ऐलान हो सकता है वो है सब्सिडी वाले सिलेंडर की संख्या में कटौती। आज बजट में जेटली सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 12 से घटाकर 10 कर सकते हैं। सरकार सर्विस टैक्स में भी बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। ऐसा हुआ तो रसोई के बजट पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। वहीं बाहर भी खाना पीना महंगा हो जाएगा और घर का बजट बिगड़ना तो तय है। सर्विस टैक्स बढ़ने से बच्चों की कोचिंग फीस बढ़ सकती है, मंथली ग्रोसरी बिल बढ़ सकता है, कपड़े खरीदना भी महंगा हो सकता है और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री भी। वहीं रोजगार करने वाली महिलाओं को उम्मीद है कि सरकार इस बजट में उन्हें आसानी से कर्ज मुहैया कराने का ऐलान कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।